नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, वैसे तो हम आईपीओ के ऊपर ज्यादा कुछ खास बात करते नहीं है, सिर्फ उसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्टिंग होता है। और आज एक आईपीओ ओपन हुआ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ है। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल भाषा में कोशिश करता हूं कवर करने की, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो शेयर करी है आज, कि अगर मैं आज आपको 87 रुपए के भाव पर शेयर्स दूं, मैं मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं कंपनी हूं, और मैं आपसे कहूं कि भैया मैं कंपनी ए के आपको 87 रुपए के भाव पर शेयर्स खरीदने को दे रहा हूं, आप खरीदना पसंद करोगे? और मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो स्टॉक मार्केट में। आपने कहा ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि हमारा ऐसे प्लान है, आगे हम 3 महीने में आईपीओ लाने वाले हैं। आपने कहा ठीक है जी, हमने कहा आईपीओ प्राइस बैंड हम ऑलमोस्ट 110 रुपए करीब रख देंगे अपना टॉप बैंड। आपने कहा बहुत बढ़िया जी, तो हमने आज आईपीओ ओपन कर दिया 3 महीने बाद और 102 से 108 रुपए का प्राइस बैंड रख दिया। आपको डायरेक्ट मुनाफा हो गया 21 रुपए प्रति शेयर का, ऑलमोस्ट 20-25% का हो गया आपका तो प्रॉफिट, तो आप खुश हो। और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि आप निवेशित हो इस कंपनी में, आप हो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए, आपके पास शेयर्स हैं, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आपको देखकर पैसा लगाएंगे क्योंकि आप फेमस पर्सनैलिटी हो, तो हम दोनों का फायदा हो रहा है। अब ऐसे में क्या ये फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगा या फिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने का मामला है? देखिए, बड़ा निवेशक कोई 20-25% के लिए पैसा नहीं लगाता है, पैसा लगाया जाता है बड़े प्रॉफिट के लिए उनकी तरफ से, वो तो 3-3, 4-4 गुना पैसा करते हैं। और स्पेशली जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया वो तो अपने आप में जाने जाते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स की पिकिंग के लिए, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों को ढूंढ के निकालने के लिए। तो अब करते हैं शुरुआत, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है आईपीओ के बारे में, और इसीलिए मैंने आपके साथ इस आईपीओ को शेयर करना सोचा। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल दे दूं, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका आईपीओ आज आपके लिए ओपन हो गया है 22 अगस्त 2023 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक ओपन रहेगा, यानी कि 22, 23, 24 तीन दिन आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। प्राइस बैंड लोअर है 102 का, ऊपर है 108 का, मैक्सिमम लोग कट ऑफ प्राइस रखते हैं यानी कि 108 रुपए का। लॉट साइज 130 शेयर्स का है, फेस वैल्यू 2 की है और 340 करोड़, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, बहुत छोटा, 340 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है इस आईपीओ से। मिनिमम क्वांटिटी 130 हो गई है, और आगे बात की जाए ओपनिंग डेट आज की है, क्लोजिंग डेट 24th की है, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि आपको कब शेयर्स मिल जाएंगे 30 अगस्त है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड यानी कि 31 अगस्त से आपको अगर नहीं अलॉट हुआ तो शेयर्स पैसे वापस करे जाएंगे, और आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपको अलॉट हुआ है तो लगभग 1 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और लिस्टिंग होने वाली है 1 सितंबर को, यानी कि वाह भाई, 1 सितंबर को ही लिस्टिंग है, 1 सितंबर को ही आपके डीमेट में शेयर्स आएंगे, और नहीं मिले शेयर तो 31 अगस्त से आपके पास पैसे वापस आना शुरू होंगे, 1-2 दिन लग जाते हैं पैसे वापस आते आते, तो ये आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं कि कंपनी करने क्या वाली है इस आईपीओ के पैसे से, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है फुल और पार्ट रिपेमेंट एंड और रिपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड बोरोइंग्स, यानी कि कंपनी कुछ अपना कर्ज चुकाने वाली है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं जो उसके लिए पैसा देगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन मींस कंपनी को कोई कंपनी अच्छी लगी काम करती है उसे पूरा का पूरा खरीद लिया। ऑर्गेनिक मींस अपनी कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, इनऑर्गेनिक मींस कोई बढ़िया चल रहा है आगे बढ़ा खरीद लिया, ये होता है इनऑर्गेनिक। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैंने शेयर करी है इस कंपनी के बारे में। अब आ जाते हैं कंपनी के आईपीओ पे वापस से। जैसा कि मैंने कहा, आशीष कचोलिया जी जो कि बहुत बड़ा नाम है अपने आप में स्टॉक मार्केट में, जो वो शेयर्स लेते हैं, मैक्सिमम एक स्टॉक तो मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर करा था, 1,01,00,000 बना दिया उस कंपनी के स्टॉक ने, बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है, मैं यहाँ पे दोबारा नाम रिपीट नहीं करूंगा, लोग खरीदने लगते हैं और वो बहुत बड़ा पैसा बना के ऑलरेडी दे चुका है, वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, 3 साल में बनाया, इनफैक्ट ज्यादा भी टाइम नहीं लिया। तो ये इस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जिनको देखकर हम जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग खरीदते हैं, इनफैक्ट मैं तो वीडियो तक शेयर करता हूं कि भैया इन्होंने लिया है आप भी ले लो, पैसा बन सकता है, और बनता है लिटरली, क्योंकि वो अंदर डेप्थ में पढ़कर शेयर्स को खरीदते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर शेयर्स को खरीदते हैं। अब यहां पे क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी है सेट इंडस्ट्रीज की, और सेट इंडस्ट्रीज आपके लिए बाजार में लिस्टेड है। पहले मैं आपको सेट इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा, 136 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसका एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो बढ़िया है भैया, 130% के रिटर्न दिए हैं, 2 साल की बात की जाए
तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। नवंबर 2022 में शेयर दिख रहा है, उससे पहले शेयर था ही नहीं। अभी यहाँ पे जब भी किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बाजार में लिस्ट होती है वो तेजी में रहती है, ये बाजार मानता है। क्या ये तेजी में रहेगा? डेफिनेटली, ये बहुत छोटा आईपीओ है, 340 करोड़ का इशू है, प्राइस है, इशू है केवल, तो ये मल्टी टाइम सब्सक्रिप्शन आएगा जिसके दम पर स्टॉक लिस्ट भी बढ़िया होगा, पैसा भी बनेगा। लेकिन उसके बाद मैं क्लियर कट कहूंगा, प्रॉफिट बुक करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पैसा लगा रहे हो, किस्मत वाली बात है, अलॉटमेंट मुश्किल मिलेगा क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ सकता है क्योंकि बहुत छोटे साइज का है। बाकी मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं इस आईपीओ में, और आपसे भी कहूंगा कि आप अवॉइड करते हो बेटर है, क्योंकि आप लगाओगे मिलेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।